वार्षिक कैलेंडर के अनुसार माह सितंबर 2023 के लिए कौन कौन सी गतिविधियां विद्यालय स्तर पर एवं अन्य स्तर पर आयोजित होना है जानते हैं। सबसे पहली गतिविधि के बारे में हम देखते हैं तो कक्षा पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्था प्रमुखों की बैठक, और ये बैठक होना है सितंबर के प्रथम सप्ताह में। वार्षिक कैलेंडर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में है और इस कैलेंडर में जो जानकारियां दी गई है उन्हीं को हमने यहाँ पर अंकित किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो गतिविधियां सितंबर माह में की जानी है जिनसे संबंधित आदेश भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं, इनके बारे में भी हम अंत में जानेंगे। तो आगे देखते हैं जो दूसरी गतिविधि है राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा में पंजीकृत बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराना 24 सितंबर 2023। इस माह में राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट जो छात्रवृत्ति योजना परीक्षा है वो होना है जिसमें जो पंजीकृत विद्यार्थी हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है और ये जवाबदारी संस्था प्रमुख की होगी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा बिंदु जिला स्तरीय ओलंपियाड का आयोजन 28 व 29 सितंबर। जैसा कि हमें ज्ञात है 25 अगस्त को जन शिक्षा केंद्र अर्थात संकुल केंद्र स्तर पर ओलंपियाड प्रतियोगिता संपन्न हुई है और जो विद्यार्थी चयनित होंगे उनकी परीक्षा जिला स्तर पर 28 व 29 सितंबर को होना है जिसमें बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करानी होगी। साथ ही जिन बच्चों का चयन होगा उनकी तैयारी भी कराना है। हमें पत्र बैंक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त हुई है उनके माध्यम से पूर्ण तैयारी करानी भी है। चौथा है एफएलएन सर्वे कक्षा 2 व 3 सितंबर संपूर्ण माह। देखिए एफएलएन सर्वे होना है जिसमें कि यहाँ जो जानकारी दी गई है इसमें डीपीसी एपीसी डाइट बीआरसीसी एवं सीएससी के द्वारा ये सर्वे होगा तो इसके बारे में संपूर्ण माह में ये होना है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पांचवा बिंदु है एफएलएन मेला प्राथमिक स्तर 14 सितंबर 2023। 14 सितंबर 2023 को एफएलएन मेला आयोजित होना है जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया। मैं आपको उस दिशा निर्देश को बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिएगा ये दिशा निर्देश है 26 जुलाई का हमारे पास में, इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं एफएलएन मेला से संबंधित उसके आयोजन से संबंधित। तो ये प्राथमिक स्तर पर आयोजित होगा और ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर आयोजित होगा ऐसा ये दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। आप चाहे तो एजुकेशन पोर्टल पे भी इस पत्र को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो छठवां बिंदु है ब्रेल व सांकेतिक भाषा के लिए आवासीय प्रशिक्षण 11 से 18 सितंबर 2023 को होना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वार्षिक कैलेंडर, इसमें यह जानकारी दी गई है। सातवां बिंदु है दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण शिविर लगाना और यह 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कभी भी ये शिविर लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगला है डिजिटल प्रशिक्षण प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं सितंबर चतुर्थ सप्ताह। जैसा कि आपको ज्ञात है दीक्षा ऐप जो कि मोबाइल लैपटॉप या टेबलेट के माध्यम से हम कंप्लीट करते हैं तो सितंबर के चतुर्थ सप्ताह में जो प्रशिक्षण है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, इसको पूर्ण करना है दीक्षा ऐप पर। अगला बिंदु है सत्र 2023-24 हेतु यू डाइस की प्रविष्टि 30 सितंबर 2023 तक यू डाइस सत्र 2023-24 हेतु से भी कंप्लीट करना है ऐसा ये जो वार्षिक कैलेंडर है इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बहुत सारे दिशा निर्देश जो कि इनसे संबंधित जो गतिविधियां वो भी सितंबर माह में आयोजित होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अन्य गतिविधियों के अंतर्गत पहला है मासिक मूल्यांकन। जैसा कि आपको मालूम है सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के मासिक मूल्यांकन अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मासिक मूल्यांकन अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में और सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होना है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिशा निर्देश, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये दिशा निर्देश है। इस दिशा निर्देश में जो मासिक मूल्यांकन के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि माह अगस्त सितंबर दिसंबर और जनवरी में होना है तो सितंबर माह के भी अंतिम सप्ताह में हमको मासिक मूल्यांकन लेना है। ब्लूप्रिंट इसमें दिया गया है उसके आधार पर मासिक मूल्यांकन तैयार करना है बच्चों से लेना है और जो भी मूल्यांकन संबंधित बच्चों के जो
उत्तर शीट है और जो आपने प्रश्न पत्र बनाया है उसको सभी का रिकॉर्ड का साधारण विद्यालय में रखना है, साथ ही मासिक मूल्यांकन पंजी में भी ये अंकित करना है। ठीक है, अगला है शिक्षक दिवस का आयोजन। जैसा कि आपको ज्ञात है 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन होता है और इस संबंध में जो दिशा निर्देश है वह भी जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 सितंबर 2023 के उपलक्ष्य में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम का आयोजन, तो यह भी हमको आयोजित करना है। आप दिशा निर्देश का जो अवलोकन है वो कर सकते हैं, यह 7 अगस्त को जारी किया गया दिशा निर्देश है। ठीक है, अगला है स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और विस्तृत दिशा निर्देश है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में यह दिशा निर्देश है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह दिशा निर्देश जो कि 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर 2023 अंतर्गत शाला स्वच्छता एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में, तो यह भी हमको आयोजित करना है। आप इस दिशा निर्देश का अवलोकन कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी गतिविधियां सुझाई गई हैं तो सुझाई गई गतिविधियों के आधार पर आपको कार्य करना है। यहाँ पर प्रति दिवस की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और आगे हम देखें तो अगला है साक्षरता सप्ताह मनाना। तो यहाँ साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि साक्षरता सप्ताह संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर साक्षरता सप्ताह का आयोजन करने के संबंध में, और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो दिनांक 1 सितंबर 2023 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, ऐसा यहाँ पर दिया गया है और यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 21 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। आप इस पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है 8th ग्रेड। तो साथियों 8th ग्रेड पर जो अध्यापन है आपको 1 सितंबर से प्रारंभ करना है, दक्षता उन्नयन पर जो कार्य है 30 अगस्त तक करना था, अब 1 सितंबर से हमको 8th ग्रेड पर कार्य कराना है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि 8th ग्रेड को एक सहायक शिक्षा सामग्री के रूप में ही प्रयोग करना है, मुख्य रूप से हमें जो टेक्स्ट बुक है उनमें दिए गए जो पाठ है या जो अवधारणा है उनका अध्यापन विशेष तौर से कराना है और 8th ग्रेड को एक सहायक शिक्षा सामग्री के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, तो साथियों माह सितंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी होंगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।